बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज एल्युमिनियम के दरवाज़े के ऊपर जो तीन ये डॉट्स लगनी थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दूसरी और ये तीसरी, आप देखें कितना प्यारा लग रहा है ये दरवाज़ा। इसको डोर क्लोज़र के साथ ओपन करके भी दिखाते हैं आपको। ये तीनों दरवाजे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब चूँकि हॉल का सारा एल्युमिनियम का काम कंप्लीट हो चुका, तो इंशाल्लाह कल एयर कंडीशन का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चूँकि मौसम बहुत गर्म शदीद गर्मी चल रही है, आज तो बारिश भी आ रही है। जुलाई का चूँकि महीना जा रहा है तो गर्मी काफ़ी हो गई है, एसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये अभी कल स्टार्ट करेंगे। ये नाजरा के बच्चों की क्लास लगी हुई है, तो बाहर से आप सारे दरवाजों का व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह काफी रौनक लगी हुई है। हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आपका नाम क्या है? महनैन। और आपका क्या नाम है? अनाया। तो कौन से स्क्वायर में लगी हुई हो? सर पे दुपट्टा रखें, कारी साहब मारेंगे फिर आपको। तो ये बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, ठंडी जगह है। तो आपका नाम? ईशान। ये तो हाँ बैठी हुई है, तो सारे बच्चे माशाल्लाह ये देखें। ये कौन है? जैनब। जैनब कौन से स्क्वायर लगी हो? 27वें स्क्वायर है माशाल्लाह। यहाँ पे ये पढ़ रही है। ये रोमान। ये आपका नाम क्या है? बताओ। हर हम। ये रोमान। और आज कौन से स्क्वायर लगी हो? नमाज पे लगी हुई है। आप कौन से स्क्वायर हो? नौवें स्क्वायर लगी हो माशाल्लाह। कौन से स्क्वायर हो? कौन से? पहले। क्या नाम है? आहिर। आहिर पहले सारे लग गया माशाल्लाह। तो आप कौन से सारे लगे हो? तीसरे। ओके। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं। ये दोनों दोस्त हैं। कौन से सारे हो? सोलहवें सारे। चौथे सारे थे। क्या नाम है? हसन। आपका नाम? इब्राहिम। तो ये इब्राहिम है, ये बाकी बच्चे ये डॉट्स हैं जो आज लगाई गई हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये अंदर हेल्थ की क्लास है। ये डोर क्लोज़र है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे हैं। ये देखें इनकी मूवमेंट चेक करें, दरवाजे की मूवमेंट कितना आराम के साथ बंद हो रही है। उसको चेक करते हैं कि ये इसकी मूवमेंट कैसी है। सब जी बच्चों को पीछे हटा रहे हैं। माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी किस्म के डोर क्लोज़र लगाए गए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। दूसरा दरवाज़ा, इसकी मूवमेंट चेक करें। ये
के साथ ये बंद हो रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी सर जी से पूछते हैं कि जो मस्जिद का काम हो रहा है इसके बारे में, जिन लोगों ने इसमें शमूलियत की है उनके बारे में यह क्या कहना चाहेंगे। जी सर जी, जिन लोगों ने इस मस्जिद में हिस्सा डाला है, जिनकी कोशिश से, जिनकी काविश से ये मस्जिद इतनी खूबसूरत बन गई है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद का काम है, ये आता है सदका जारिया। जब तक यहाँ पे लोग नमाज अदा करेंगे, बच्चे हिफ्ज़ करेंगे, छोटे बच्चे जब नाजरा पढ़ेंगे, तो ये आगे सदका जारिया जो है प्रेम के सिलसिले में चलता जाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर दुआ करता हूँ जिन लोगों ने इसके लिए अपना हिस्सा डाला, जिन्होंने इसमें मेहनत की, खासकर डॉक्टर साहब और सईद भाई साहब जो यहाँ पर सारा काम चला रहे हैं। चले मेरा भी काम उनके साथ है, लेकिन मैं उनके लिए खासकर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसका आलिम उनको दे, और वो जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है अल्लाह ताला उनके लिए खास आसानियाँ पैदा करे, और दे ताकि वो मस्जिद के लिए या गरीब लोगों के लिए या भाई खानों के लिए या सबका जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। बेशक। और उन लोगों के खासकर मशहूर हूँ जिन लोगों ने बाहर के हमारी खासकर बड़ी बड़ी बेगम उनके साथ हमारी मदद की है, और उस मदद की वजह से आज ये मस्जिद जो है ये देखने के काबिल है। बड़े फख्र से ये कह सकता हूँ कि शायद बेगवाला में इतनी खूबसूरत मस्जिद और ना हो, जो जहाँ काम चल रहा है वो ऐसा किसी मस्जिद में नहीं है। आपको सारे अल्लाह के हैं, लेकिन कुछ ऐसे दार होते हैं जो मुंफरिद होते हैं और अल्लाह ताला उनको ज़्यादा पसंद करता है। बाकी मसाजिद के लिए भी मैं दुआ करूँ कि साथ ना उन लोगों के साथ में काम करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो लोग बाहर से अमाउंट भेज रहे हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मस्जिद के लिए डोनेशन दे रहे हैं, उनको कैसे ये यकीन आएगा कि उनका पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सईद साहब, बात सीधी सी है कि जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, और जो आपका काम देख रहा हूँ डॉक्टर साहब का और आपका, लेकिन उसमें मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई बात ध्यान दी हो। बेशक। जितना पैसा बाहर से आ रहा है, बल्कि मैं यहाँ तक ये कहने में मजबूर हूँ कि डॉक्टर साहब हैं वो जो पैसा बाहर से आ रहा है उसका भी हिसाब रखते हैं, और उसके साथ साथ जो जहाँ का खर्चा लोगों के आने जाने का है वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। बेशक। वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनका जो ईमान है वो ये है कि मैं तो अल्लाह से लूट रहा हूँ माल जो है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जो मेरी आवाज़ सुनेंगे, खुदा के लिए आप भी इसमें हिस्सा डालें और खुदा से इससे ज़्यादा लें। बेशक। यानी जो जितना पैसा आप यहाँ से वहाँ से बाहर से यहाँ भेजेंगे वो इस मस्जिद में लगेगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मस्जिद में खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई बात ध्यान देने का कोई चांस नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सारा पैसा जो है उस जो आ रहा है उससे ज़्यादा ही आ रहा है। बेशक। यानी अपने पास से भी लोग लगा रहे हैं या दोनों दोस्त भी उसमें लगा रहे हैं, और मेरे इलम में हमका सारा, क्योंकि मैं मजबूर के हर मशवरे में शामिल हूँ, और खुदा के फजल व करम से हमारा रिकॉर्ड पिछला जो है वो भी बेदाग है, और इंशाल्लाह ये भी बेदाग रहेगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि इसमें एक पैसे का और एक पाई का हेर फुर जाए वो साबित नहीं होगा, अगर होगा तो हम खुदा के हजूर उसका देने के वहाँ में जवाब देंगे। माशाल्लाह, बेशक। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को अजर दे और आपको भी आपकी कोशिशों से। उनके लिए सईद साहब के लिए मैं खासकर दुआ करूँ कि जितना वो टाइम दे रहे हैं, हम में से सबसे ज़्यादा जो है वो डॉक्टर साहब टाइम दे रहे हैं, और सही साहब उनकी एफर्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा है। बाहर के काम चल रहे हैं, लेने लेने का वो चला रहे हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ का काम मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं। बेशक। उनको इससे ज़्यादा जल दें और ज़्यादा पैसा खर्च करने की तौफीक हो। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। एक बात तो थोड़ी सी मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि हमारे साथ दो ऐसे साथी भी हैं जो मिस्त्री और मजदूर की हैसियत काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकता। अच्छा, उनके नाम ज़रा बता दें। यानी राहत जो है वो हमारा मजदूर है, और उस्मान जो है वो हमारा मिस्त्री है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इस मस्जिद में हम सुबह आए हैं तो 5 बज गए या 4 बज गए, हमारा टाइम हो गया, तो जब तक चलते रहे हम चलते ही जाते हैं,
उनको कहना पड़ता है कि आप ख़त्म करें। और राह जो है उसका तो ये सिलसिला है कि वो जाते हुए सारी मस्जिद को साफ करके जाता है, और हमारे डिस्पेंसर के लिए कई बार उसको रात को जाके वहाँ से पानी लाना पड़ता है, और जो वहाँ जाके रखता है वो भी सारा उसी के जिम्मे है। ये जो डिस्पेंसर है जिन्होंने वो भी दिया है, जितने लोग यहाँ पानी पी रहे हैं वो सबका जालिया के जिम्मे में आते हैं, और अल्लाह ताला उनका भी वो कबूल करे और उनकी आसानियाँ। आमीन आमीन। बेशक माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा काम हो रहा है। ये सब आप लोग देख रहे हैं, वीडियोस में भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देखेंगे। अभी ये हॉल का काम कंप्लीट हो चुका जी। इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग तो बेगोवाला के होते हुए इस नाते में पैसे भेज रहे हैं कि हमारे बेगोवाला में ये मस्जिद बन रही है, लेकिन मैं उन लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो समड़ियाल में बैठे हुए हमारे साथ काम कर रहे हैं और लाखों की हमारी मदद कर रहे हैं और हमें मटीरियल सप्लाई कर रहे हैं। मैं उनका खासकर मशहूर वो आप अली रजा भाई की बात कर रहे हैं, और ज़्यादा करते हैं मुश्किल जो है वो आसान करते हैं। आमीन। वो सर जी अली रजा भाई की बात कर रहे हैं, वो समड़ियाल के हैं, वो माशाल्लाह ये सारा काम जो है उन्हीं की कोशिशों से, उन्हीं की तावन से, उन्हीं की डोनेशन से, तो इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा वो जो है इनसे पहले जिन लोगों ने डाला था वो भी शामिल है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे काम जो मस्जिद का है नेक्स्ट। अब इसके बाद हॉल सेन का प्रोसीजर शुरू होना है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे और भी ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।